Good morning, students. Today we shall study your lesson number 7. Lesson 7, The Magic Metal. The Magic Metal. मैजिक चमत्कारी जादुई मेटल धातु. कौन सी ऐसी धातु है जिसे मैजिक मेटल कहा गया है, आइए जानते हैं इस लेसन में. वन डे अ टीचर ऑफ साइंस टुक आउट फ्रॉम हिज ब्रेस्ट पॉकेट अ ट्यूब विच कंटेन्ड अ व्हाइट पाउडर. एक दिन साइंस के विज्ञान के एक शिक्षक ने अपने ब्रेस्ट पॉकेट से, अपने सामने की फ्रंट पॉकेट से एक ट्यूब निकाला जिसमें एक वाइट पाउडर, सफेद कलर का पाउडर चूर्ण भरा हुआ था. ही शोड द पाउडर टू हिज स्टूडेंट्स एंड एक्सप्लेन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. उस पाउडर को निकालकर टीचर ने, शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को दिखाया और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके कुछ गुणों के बारे में बताया. अबाउट 3 weeks लेटर A part of the skin next to his breast pocket began to turn red and fall away. लगभग 3 सप्ताह के बाद जिस breast pocket में उन्होंने white powder को रखा था, उस pocket के नीचे की जो skin थी, लगभग 3 हफ्ते के बाद वहाँ से वो skin लाल हो गई और धीरे धीरे वो skin निकलने लगी उस स्थान से. The substance that had caused the sore on the skin was radium, the magic metal. A painful sore found which took weeks to heal. एक बहुत ही painful sore, wound जैसा बन गया उनके जेब के नीचे जो skin थी वहां पर, और उस wound को, उस sore को भरने में हफ्तों का time लगा. जिस सब्सटेंस ने, जिस पदार्थ ने ये सोर बनाया था, जिसके कारण ये वहाँ पर वूंड बना था उनके स्किन पे, ये सब्सटेंस था रेडियम, जिसे हम आज मैजिक मेटल के नाम से पढ़ेंगे. सिर्फ वाइट पाउडर जो उन्होंने अपने जेब में रखा था अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, और उस वाइट पाउडर को निकाल के उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया और पता नहीं इतना ज़्यादा उसका रिएक्शन हुआ कि उनकी स्किन ही उस स्थान से, जिस पॉकेट में रखा था नेक्स्ट टू द पॉकेट जो स्किन थी, वो स्किन ही टर्न रेड, इट टर्न रेड, लाल हो गई और वहाँ से वो निकलने लगी. बहुत समय लगा उस घाव को भरने में और उसके बाद पता चला कि ये सब्सटेंस, ये पदार्थ जिसकी वजह से ये घाव बना था, ये था रेडियम, जिसे हम जादुई या चमत्कारी धातु के रूप में आज पढ़ेंगे. रेडियम इज कॉल्ड अ मैजिक मेटल बिकॉज इट हैज सर्टन वंडरफुल प्रॉपर्टीज, अंडरलाइन कर लेंगे. रेडियम जादुई चमत्कारी धातु कहलाती है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसके कुछ गुण बहुत आश्चर्यजनक होते हैं. इट continuously gives off particles and invisible rays of energy similar to x-rays because of the breaking up of its atoms. Radium se lagatar, underline karte jayenge because it is very important. Lagatar particles aur invisible rays of energy nikalte rehte hain jaisa ki x-rays mein hote hain. लगातार उसके एटम्स, उसके पार्टिकल्स, उसके एटम्स ब्रेक होते रहते हैं, पार्टिकल्स रिलीज होते रहते हैं और उससे अदृश्य रूप से किरणें निकलती हैं, इनविजिबल रेज निकलती हैं, जैसे कि एक्सरेज में. ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग अप ऑफ इट्स एटम्स, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो अणु टूटते रहते हैं लगातार. दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, इसे रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है. वाइल द एटम्स ब्रेकअप कंटिन्यूसली द मेटल डज नॉट नोटिसेबली लूज वेट. एटम्स लगातार टूट रहे हैं रेडियम के, लेकिन एटम्स के टूटने से मेटल का वजन कम नहीं हो रहा है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे कि कंटिन्यूसली एटम्स ब्रेकअप हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद
मेटल का जो वेट है, धातु का जो वजन है, वो बहुत रिमार्केबली कम नहीं हो रहा है. इट हैज इन इट एज इट वेयर एन इनएग्जॉस्टेबल स्टोर ऑफ एनर्जी. ऐसा लगता है कि इस मेटल के अंदर, इस धातु के अंदर इनएग्जॉस्टेबल, कभी ना खत्म होने वाली, कहीं ना खत्म होने वाली एनर्जी है. इतनी एनर्जी, इतनी ज्यादा ऊर्जा है इसमें जो बिल्कुल खत्म नहीं होती. रेडियम इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ मेटल्स. रेडियम के बारे में बताऊं आपको, बहुत दुर्लभ धातु है, बहुत ही रेयर मेटल है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स टू मैन बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी हेल्प्स डॉक्टर्स टू क्योर सम डिजीजेज विच दे वंस थॉट इनक्यूरेबल. इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसने इसको मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी बनाया है. और इसकी जो रेडियो एक्टिविटी की क्वालिटी है, इसमें जो जो लगातार इसके अणु टूटते रहते हैं और इससे जो इनविजिबल रेज निकलती रहती हैं और इससे जो लगातार पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, इसके कारण डॉक्टर्स इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी का यूज़ करके डॉक्टर बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज, क्योर पॉसिबल हो पाया है. डॉक्टर्स ने इलाज ढूंढा है विच दे वंस थॉट इनक्यूरेबल, जिनके बारे में पहले ये सोचा जाता था कि ये इस डिजीज़ का इलाज संभव नहीं है. For instance, those suffering from cancer and some kinds of skin diseases have now hope of cure by treatment with the help of radium. उदाहरण के लिए जिनको कैंसर है या किसी प्रकार की स्किन डिजीज है, किसी प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारी है, अब उनको इस बात की उम्मीद है कि इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट संभव हो पाएगा रेडियम की सहायता से. It is no wonder, therefore, that hospitals pay huge sums of money for a few milligrams of it. और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो रेडियम के कुछ मिलीग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट को. रेडियम बहुत कॉस्टली है और रेडियम चूँकि बहुत यूजफुल भी है, तो हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा पे करके कुछ मिलीग्राम्स रेडियम खरीदते हैं जिससे वो अपने पेशेंट्स का इलाज अच्छी तरह कर सकें. द डिस्कवरर ऑफ दिस मैजिक मेटल वॉज मैडम क्यूरी. हम जानना चाहेंगे निश्चित रूप से कि मैजिक मेटल को डिस्कवर किसने किया, कैसे पता चला कि ये मेटल बहुत यूजफुल है, कैसे पता चला कि इसमें रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है. तो आपको बता दूं, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इस मैजिक मेटल की डिस्कवरर थी मैडम क्यूरी. शी वॉज बॉर्न इन पोलैंड इन ईयर 1867 टू प्रोफेसर स्कोलोडोव्स्की हु वॉज अ टीचर ऑफ फिजिक्स. पोलैंड में 1867 में प्रोफेसर स्कोलोडोव्स्की के यहाँ इनका जन्म हुआ, जो कि फिजिक्स के टीचर थे, गुरु थे, फिजिक्स पढ़ाया करते थे. इवन इन हर चाइल्डहुड शी वॉज फैसिनेटेड बाय बुक्स ऑफ एवरी काइंड, एडवेंचर, पोइट्री, साइंस. छोटी सी थी मैडम क्यूरी और उस समय से इनको लगाव था किताबों से. हर प्रकार के एडवेंचर इनको पसंद थे, पोइट्री, कविता का शौक था, विज्ञान में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था. ऑफन हर मदर वुड फाइंड हर एब्जॉर्ब्ड इन हर रीडिंग एंड वुड से, स्टॉप एंड कम एंड सिंग टू अस डार्लिंग, प्ले फॉर अ व्हाइल मैरी. इनकी माँ इन्हें अक्सर बुलाया करती थी, ये लगातार पढ़ती रहती थी, तो इनकी मम्मी कहती थी कि आप पढ़ना बंद करो, चलो आओ हमारे साथ बैठ के गाना गाओ, थोड़ी देर खेल लो मैरी, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स नाउ, 5 घंटे से तुम पढ़ रही हो, एंड सो ऑन. इस तरह की बातें होती थी घर में, अदरवाइज मैरी वुड नॉट पुट हर बुक्स डाउन. अगर मम्मी शायद उन्हें ना बुलाती, माता उनकी नहीं बुलाती, तो शायद मैरी अपनी किताब छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के नहीं उठती. When मारी और मारिया as she was called, पोलैंड में मैरी, मारी, मारिया, ये सब एक ही हैं. पोलिश अगर एक्सेंट में आप बोलेंगे तो दैट इज मारी, ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे तो मैरी, और मारिया भी बोलते हैं, शी इज कॉल्ड मारिया ऑल्सो. तो when मारी और मारिया as she was called was 10 years old, her mother died.
10 वर्ष की इनकी उम्र हुई, इनकी माँ की मृत्यु हो गई. दिस वॉज अ टेरेबल ब्लो टू हर. माँ का डिपार्ट होना, चले जाना, मौत हो जाना उनके लिए बहुत जबरदस्त ब्लो, एक बहुत बड़ा शॉक था. बिकॉज शी लव्ड हर मदर मोर देन शी लव्ड एनीवन एल्स. अपनी माँ से बहुत लगाव था, सबसे ज्यादा अगर किसी से लगाव था तो अपनी माँ से. मैरी एंड अदर चिल्ड्रन नाउ ग्रो अप अंडर द लविंग केयर ऑफ देयर फादर प्रोफेसर स्कोलोडोव्स्की. मैरी और उनके बाकी बच्चे पिता की देखभाल में बड़े हुए, प्रोफेसर, जैसा मैंने बताया, शिक्षक थे फिजिक्स के, प्रोफेसर स्कोलोडोव्स्की के देखभाल में बड़े हुए. प्रोफेसर स्कोलोडोव्स्की वॉज नॉट वेरी रिच एंड ही एंड हिज डॉटर्स हैड टू अर्न देयर लिविंग बाय गिविंग लेसन्स टू चिल्ड्रन ऑफ द रिच. इनके पिता फिजिक्स के टीचर इतने ज्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए इनको और इनकी बेटियों को अपनी आजीविका कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए उन बच्चों को पढ़ाना पड़ता था जो अमीरों के बच्चे थे. उनके यहाँ ये लोग ट्यूशंस देने जाया करते थे, पढ़ाने जाया करते थे. मैरी वॉज ईगर टू गो टू सॉबोन्स यूनिवर्सिटी एंड मैरी सिस्टर ब्रोनिया टू वॉन्टेड टू गो टू सॉबोन एंड स्टडी हर सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. मैरी और उनकी सिस्टर, एक नया कैरेक्टर आपके इस लेसन में, ब्रोनिया, ये दोनों सॉबोन पेरिस में एक जगह है, फेमस है पढ़ाई के लिए, वहां जाके पढ़ाई करना चाहते थे दोनों बहनें. और दोनों का सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. मैरी सिस्टर ब्रोनिया टू वांटेड टू गो टू सॉबोन. मैरी की सिस्टर जो थी वो भी सॉर्बोन जाना चाहती थी एंड शी वॉज हैप्पी टू हेल्प हर सिस्टर टू गो फर्स्ट. ये मैरी के पार्ट में, अगर मैरी की तरफ से देखा जाए तो ये ग्रेटनेस है उनकी कि उन्होंने अपनी बहन को पहले जाने दिया सॉर्बोन. बहन की इच्छा थी, ब्रोनिया की भी, इतने पैसे तो थे नहीं कि दोनों बहनें एक साथ में चले जाएं, तो पहले उन्होंने अपनी सिस्टर को हेल्प किया कि वो पहले जाके पढ़े. It was not until 1891 when Bronya had finished her studies that Mary was able to enter the Sorbonne. 1891 में Mary की sister Bronya की studies complete हुई, उसके बाद Mary Sorbonne University में पढ़ने के लिए गई. At the university, Mary worked very hard. अब पेरिस जैसी जगह जो कि बहुत कॉस्टली है, यूनिवर्सिटी बहुत रेनाउंड है, सामान्य व्यक्ति जिसके पास में सामान्य पैसे ही हैं कि वो अपनी बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, कोई लग्जूरियस लाइफ नहीं, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ वो नहीं ले सकता इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, जिसे कहा जाए लैविश. तो बहुत ही सिंपल लाइफ इन्होंने जी और बहुत मेहनत की. एक बहुत ही मीडियम फैमिली से थी, इसलिए एस शी हैड हार्डली इनफ मनी फॉर हर नीड्स शी लिव्ड इन अ स्मॉल रूम इन द पोरेस्ट पार्ट ऑफ पेरिस एंड कुड नॉट अफोर्ड ओनली वेरी पुअर मील्स. उनके पास सिर्फ इतने ही पैसे होते थे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके. तो मैरी ने छोटा सा कमरा लिया और वो कमरा भी ऐसे स्थान पे जो पेरिस का सबसे गरीब इलाका समझा जाता था, जिससे उनको रेंट्स ज्यादा देने की जरूरत ना पड़े और जो मील्स वो अफोर्ड कर पाती थी, जो भोजन वो खाती थी वो बहुत ही पुअर होते थे, बिल्कुल माने साधारण से भी साधारण. ज्यादा पैसा खर्च करने की उनकी स्थिति नहीं थी. कारण ये था, यूनिवर्सिटी कॉस्टली थी, पेरिस महंगा शहर था, तो छोटे से कमरे में, बहुत ही गरीबी में और बहुत ही सिंपल मील वो अफोर्ड कर पाती थी, पुअर मील अफोर्ड कर पाती थी. बट नन ऑफ दीज हार्डशिप्स डिस्करेज्ड हर. पर चूंकि पढ़ने की इच्छा इतनी ज़्यादा थी उनके अंदर, ये जो हार्डशिप्स आई, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आई कि कमरा छोटा सा, जिस जगह पर रह रही हैं वो पेरिस का सबसे गरीब इलाका, खाने के लिए उनको बिल्कुल, उनका जितना
पॉकेट अलाउ कर रहा है, जितना उनके पास में पैसा है उससे ज़्यादा वो आगे नहीं जा सकती। तो इस तरह की कठिनाइयों में रह के किसी जो भी हार्डशिप्स, जो भी उन्होंने तकलीफें वहाँ पे झेली सॉर्बन यूनिवर्सिटी में, उससे वो बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं हुई, कहीं भी वो निराश नहीं हुई। इन पेरिस शी मेट पेरे क्यूरी, अ साइंटिस्ट हु वाज वेल नोन इन द साइंटिफिक सर्कल्स ऑफ दैट सिटी। वहाँ उनकी मुलाकात हुई एक सज्जन पेरे क्यूरी, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, जो वहाँ वैज्ञानिकों के बीच में, साइंस वालों के बीच में एक वेल नोन नेम थे। लोग उनको बहुत इज्जत से जानते थे कि ये साइंटिस्ट है। दे बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड ईयर आफ्टर दे मेट दे मैरिड। अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों साइंस वाले थे, मैरी क्यूरी भी और पेरे क्यूरी भी, अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप हो गई और एक साल बाद उन्होंने मैरिज कर ली। दिस वॉज नॉट ओनली अ हैप्पी मैरिज बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिफिक पार्टनरशिप एज इट टर्न आउट। उनकी शादी एक खुशहाल शादी ही नहीं थी, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत प्रसिद्ध साइंटिफिक पार्टनरशिप। दोनों वैज्ञानिक थे, दोनों का झुकाव विज्ञान की ओर था, साइंस की ओर था। तो बाद में ये चीज़ें लोगों ने देखी कि ये जो मैरिज थी ये अपने आप में ही बहुत हैप्पी मैरिज थी और एक बहुत अच्छी वैज्ञानिक पार्टनरशिप दोनों जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुई, वो उससे सारी दुनिया को फ़ायदा मिला। कैसे, आगे देखते हैं। When Mary had obtained her master's degree in mathematics and physics, she wished to go in for a doctor's degree, for which she had to do research in some area of her subject and produce a thesis. Mary ने अपनी master's degree ली, master's degree ली उसने maths और physics में, गणित और भौतिकी। अब उनकी इच्छा थी कि वो doctor's degree के लिए जाएं, doctorate हासिल करें, और डॉक्टरेट करने के लिए उनको उस विषय में, जिस विषय पे वो डॉक्टरेट करना चाहती थी, उसमें कोई एक एरिया चुन के, कोई एक टॉपिक चुन के उस पर उनको एक थीसिस लिखनी, शोध पत्र लिखना था। अबाउट दिस टाइम अ फ्रेंच साइंटिस्ट कॉल्ड हेनरी बेकरल हैड डिस्कवर्ड दैट सर्टन सब्सटेंस सच एज यूरेनियम एंड पिच ब्लेंड, अ मिनरल containing uranium, where radioactive, that is the sent out energy in invisible rays. इस समय तक एक फ्रेंच, फ्रांस के वैज्ञानिक साइंटिस्ट, नाम है, अंडरलाइन कर लीजिए, हेनरी बेकरल। इन्होंने एक सब्सटेंस को, एक पदार्थ को डिस्कवर किया था और ये पदार्थ था यूरेनियम। यूरेनियम और पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड एक प्रकार का मिनरल होता है जिसमें यूरेनियम होता है, ये रेडियो एक्टिव पाए गए थे। पिच ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट किया यूरेनियम, ये रेडियो एक्टिव पाए गए थे। इसका मतलब इनमें से अदृश्य किरणें निकलती थी, इनविजिबल रेज निकलती थी, जैसा मैंने आपको रेडियम के किस्से में बताया कि रेडियम में भी सेम, रेडियम से भी पार्टिकल्स निकलते थे, इनविजिबल रेज ऑफ एनर्जी, लेकिन उसके बावजूद उसका वेट लूज नहीं होता था। यही केस था पिच ब्लेंड और यूरेनियम के साथ में। बेकरल्स एक्सपेरिमेंट्स फैसिनेटेड द क्यूरीज। बेकरल जो हेनरी बेकरल फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके एक्सपेरिमेंट से, उनके प्रयोग से दोनों क्यूरीज, मैरी और पेरे, दोनों बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। उनको बहुत उत्सुकता हुई, फैसिनेटेड फील किया उन्होंने। व्हाट वे दीज इनविजिबल रेज, व्हाट वाज द नेचर ऑफ देयर एनर्जी, ये इनविजिबल रेज क्या है और इनसे जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा क्या है। Also, Becquerel's experiments led them to believe that pitch blend contained a substance beside uranium. What was this substance? Becquerel के experiments से, प्रयोगों से दोनों husband wife को ये विश्वास हो गया कि pitch blend में
यूरेनियम के अलावा एक और सब्सटेंस है जो निश्चित रूप से रेडियो एक्टिव है, ये सब्सटेंस कौन सा है? मैरी क्यूरी स्टार्टेड टू डू रिसर्च ऑन दीज प्रॉब्लम्स फॉर हर थीसिस। इसको उन्होंने अपने रिसर्च के लिए टॉपिक बना लिया कि कौन सा और सब्सटेंस है जो पिच ब्लेंड में है बिसाइड यूरेनियम, यूरेनियम के साथ में, और उसको कैसे निकाला जाए। शी यूज एन ओल्ड स्टोर रूम एट हर हस्बैंड्स डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी एज हर लेबोरेटरी। उन्होंने उनके जो हस्बैंड का कमरा था, डिपार्टमेंट था, उसके बाजू में, उसके पास में एक स्टोर रूम था, उसको उन्होंने अपना लैब, अपनी लैब की तरह से उन्होंने उसको डेवलप कर लिया, अपनी प्रयोगशाला के रूप में ले लिया। After 8 years of hard and silent work, experimenting with hundreds of substances, the Curies were at last able to prove the existence of the new element. 8 साल तक बहुत कड़ी मेहनत की उन्होंने, बहुत कठोर मेहनत, बहुत silent work, experiment करते रहे सैकड़ों substance से, पदार्थों से, और लास्ट में उनको वो प्रूव कर पाए कि ये जो नया एलिमेंट जो पिच ब्लेंड में मौजूद है ये क्या है। दे कॉल्ड इट रेडियम बिकॉज इट पजेस द हाईएस्ट रेडियो एक्टिविटी एमंग ऑल द नोन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंस, जो पदार्थ इन्होंने निकाला पिच ब्लेंड से, उसका जो पाया, अभी उन्होंने सिर्फ एग्जिस्टेंस देखा है, अभी उसको अलग नहीं कर पाए हैं, एग्जिस्टेंस देखा, उस पदार्थ का नाम इन्होंने दिया रेडियम, क्योंकि बिकॉज इट पजेस द हाईएस्ट रेडियो एक्टिविटी एमंग ऑल द नोन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। क्योंकि जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे, सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी इसी में थी, इसी नए पदार्थ में। आपने देखा हेनरी बेकरल के एक्सपेरिमेंट से पता चला पिच ब्लेंड नाम के मिनरल में एक यूरेनियम नाम का सब्सटेंस होता है जिसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। हेनरी बेकरल ने इस बात को कहा कि इसमें एक सब्सटेंस और मौजूद है, वो कौन सा सब्सटेंस है, इसको जानने के लिए, इसको खोजने के लिए इसको अपना टॉपिक बनाया मैरी क्यूरी ने थीसिस का। ढेरों सब्सटेंसेस के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत दिनों तक उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, और फाइनली उन्होंने पाया कि ये सब्सटेंस है रेडियम। और जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उसमें ये सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव है। मैरी क्यूरी वाज अवार्डेड द डॉक्टर्स डिग्री फॉर दिस डिस्कवरी। इस खोज के लिए मैरी क्यूरी को डॉक्टर्स डिग्री दी गई। द नेक्स्ट टास्क विच द क्यूरीज टुक अप वाज टू एक्सट्रैक्ट द रेडियम फ्रॉम पिच ब्लेंड। अब पता तो चल गया कि पिच ब्लेंड में यूरेनियम के साथ साथ रेडियम भी है। अब करना क्या है, रेडियम को पिच ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है। फॉर दिस दे नीडेड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द मिनरल, और इसके लिए पिच ब्लेंड की बहुत ज्यादा मात्रा आवश्यक थी, क्योंकि उनको प्रयोग करने हैं, और प्रयोग वो किस पे कर रहे हैं, पिच ब्लेंड पे कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में उनको पिच ब्लेंड की आवश्यकता थी। They had a ton of it brought from Austria. एक टन पिच ब्लेंड उन्होंने मंगाया ऑस्ट्रिया से। They stored it in an old unused shed. फिर
उस एक टन पिच ब्लेंड को उन्होंने एक पुराने अनयूज्ड शेड था एक, उसमें उन्होंने उस पिच ब्लेंड को रखा. In this shed they toiled day after day through cold winters and hot summers. इस शेड में they toiled, मेहनत करते रहे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, हर दिन, रोज, ठंड के दिन, गर्मी के दिन, बस उनके वहीं करते थे. Later Mary wrote, in this miserable old shed the best and happiest years of our life were spent. बाद में अपने उन दिनों के बारे में मैरी ने लिखा कि इस पुराने और बहुत ही मिजरेबल, जहाँ पे इतनी तकलीफें होती थी काम करने में, मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे और सबसे खुशी भरे साल व्यतीत हुए उनके और उनके पति के. After 4 years of continuous effort, they at last succeeded in separating the pure element and saw it glowing with a strange bluish light. 4 years of continuous effort. 4 saal. Lagatar mehnat karne ke baad, unhone pitch blend se radium ko extract kiya, alag kiya. और देखा कि रेडियम बहुत स्ट्रेंज ब्लूइश लाइट उसमें से निकलती, नीले रंग की रोशनी. ऑनर्स नाउ केम पोरिंग इन. इतना बड़ा काम करना, रेडियम जैसे सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पिच ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट करना, सब तरफ से सम्मान की बौछार होने लगी. In 1903, the Nobel Prize in Physics was awarded jointly to the Curies and Henry Becquerel. 1903 में फिजिक्स पे उन्होंने जिस तरह से काम करके और इस तरह से पिच ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट किया रेडियम को, उसके लिए दोनों हस्बैंड एंड वाइफ क्यूरीज और हेनरी बेकरल को नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया, दिया गया. ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स टोल्ड द स्टोरी ऑफ द क्यूरीज एंड देयर ग्रेट साइंटिफिक पार्टनरशिप. सारी दुनिया में न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, जितने प्रकार की पत्र पत्रिकाएं थीं, उसमें क्यूरीज की स्टोरी निकली एंड देयर ग्रेट साइंटिफिक पार्टनरशिप. जिस तरह से उन्होंने अपना वैज्ञानिक पार्टनरशिप की दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने, तो इस बारे में सारी पत्र पत्रिकाओं में छपा, उनके सम्मान में ढेरों लेख छपे. इन पेरिस पीपल क्यूड अप टू सी देम पास. पेरिस में जब वो हस्बैंड वाइफ पेरे क्यूरी और मैरी क्यूरी निकलते थे, तो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे सिर्फ उनको देखने के लिए कि यही वो पेयर है, यही वो जोड़ा है, कपल है जिसने रेडियम को पिच ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट किया है. द क्यूरीज हैड टू डॉटर्स, आइरीन एंड ईव. क्यूरीज की दो बेटियां थी, आइरीन और ईव. In the midst of all their work, the parents found time to give every attention that was necessary to the children at home. अपने इतने हार्ड वर्क के बीच में, कंटिन्यूस वर्क के बीच में, दोनों माता पिता समय निकालते थे कि वो अपने बच्चों को भी समय दे सके, जो उनके लिए बहुत आवश्यक था बच्चों की ग्रोथ के लिए. That was necessary to the children at home, dressing them, feeding them, talking them, taking them out and educating them. उनको घर पे उन पे ध्यान देना, उनके कपड़ों पे ध्यान देना, उनको अच्छे भोजन की व्यवस्था उनके लिए करना, उनको लेके बाहर जाना, अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई करवाना, ये सारी जिम्मेदारी दोनों माता पिता अच्छी तरह निभाते थे. One day in April 1906, a terrible blow fell on Mary. April 1906 की बात है. एक बहुत जबरदस्त शॉक, सदमा लगा मैरी क्यूरी को. It was raining heavily. उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी. As Pierre Curie was walking up home after his morning work at his department, he slipped and fell while crossing a street and was run over by a horse wagon.
पेरे क्यूरी अपने घर लौट रहे थे सुबह का काम निपटा के, जब वो स्ट्रीट क्रॉस कर रहे थे, जब वो सड़क से गुजर रहे थे, तो एक हॉर्स वैगन, चूंकि वो स्लिप हो गए, बहुत तेज पानी गिर रहा था, स्ट्रीट क्रॉस करते समय स्लिप हो गए, गिर गए और उनके ऊपर से एक हॉर्स वैगन निकल गई। ही वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट, वहीं उसी जगह पे, उसी स्थान पे उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु, मैरी के ऊपर एक बहुत बड़ा शॉक था। मैरी वॉज स्टन्ड बाय द ब्लो एंड फॉर डेज टुगेदर शी वॉज ओवरपावर्ड विद ग्रीव। इस सदमे के बाद मैरी एकदम शॉक्ड हो गई और बहुत समय लगा अपने दुख पे विजय प्राप्त करने में, एकदम दुख में डूब गई हूं। शी सीम टू हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ, ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में उनकी सारी रुचि, सारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। After some months, however, the fascination of her laboratory and her work began to return gradually. कुछ महीने बीतने के बाद में जो उनको फैसिनेशन था, जो उनको लगाव था अपनी प्रयोगशाला से, अपने काम से, वो धीरे धीरे वापस आने लगा। काफ़ी समय तक तो उनको अपने हस्बैंड की कमी इतनी ज़्यादा महसूस हुई कि वो सारी चीज़ें दीन दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन फिर स्लोली स्लोली उनका इंटरेस्ट वापस आया। टाइम हील करता है हर घाव को, जैसे जैसे घाव भरने लगा उनका मन फिर आने लगा अपनी प्रयोगशाला और अपने साइंटिफिक वर्क के लिए। The Sorbonne offered her the chair of physics, which had remained unfulfilled since the death of Pierre Curie. Sorbonne University ने physics department का head बनाने का offer दिया Marie Curie को, जो खाली पड़ा था उनके पति की मृत्यु के बाद से। She accepted the offer, उन्होंने उस offer को, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। In 1911, in recognition of the brilliant work she had done since Pierre's death, Marie was awarded the Nobel Prize a second time, an honor which no other man or woman has ever received so far. जो brilliant काम उन्होंने किया था, जो excellent work उन्होंने किया था Pierre की death के बाद भी, मैरी को सेकेंड टाइम नोबेल प्राइज मिला, जो आज तक किसी दूसरे आदमी या औरत को नहीं मिला है। दो बार नोबेल प्राइज जीतना, ग्रैंड अचीवमेंट। इन 1914 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। मैडम क्यूरी ऑर्गेनाइज्ड अ फ्लीट ऑफ 20 मेडिकल वैन्स प्रोवाइडेड विद एक्सरे एपरेटस फॉर द मेडिकल रिलीफ ऑफ द वुंडेड सोल्जर। उन्होंने 20 मेडिकल वैन्स का एक फ्लीट बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने एक्सरे एपरेटस वगैरह सब रखे और मेडिकल रिलीफ के लिए जो वुंडेड सोल्जर्स थे, जो घायल सैनिक थे 1914 प्रथम विश्व युद्ध के, उनके रिलीफ के लिए वो निकल पड़ी। द सोल्जर्स कॉल देम लिटिल क्यूरीज, सैनिक लोग उनको छोटे क्यूरीज के नाम से बुलाते थे। बिफोर द वॉर एंडेड ओवर मिलियन वुंडेड सोल्जर्स हैड रिसीव्ड मेडिकल रिलीफ एट द एक्सरे सेंटर शी हैड सेट अप। युद्ध खत्म होने के पहले लाखों जो घायल सैनिक थे उनको उस एक्सरे सेंटर में, वो जो एक्सरे केंद्र उन्होंने बनाए हुए थे, वहाँ से लाखों लोगों को मेडिकल रिलीफ मिला, आराम मिला, ट्रीटमेंट मिला। सम अमेरिकन विमेन कलेक्टेड $100,000 एंड बॉट अ ग्राम ऑफ रेडियम टू बी प्रेजेंटेड टू मैरी क्यूरी। उसके बाद कुछ अमेरिकन औरतों ने $100,000 कलेक्ट किए और एक ग्राम यूरेनियम खरीदा
यूरेनियम बहुत कॉस्ट सॉरी रेडियम खरीदा. रेडियम बहुत कॉस्टली है एज यू नो. वो एक ग्राम यूरेनियम रेडियम वो प्रेजेंट करना चाहते थे मैडम क्यूरी को. शी वेंट टू अमेरिका विथ हर चिल्ड्रन एंड रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द प्रेजिडेंट हिमसेल्फ. मैडम क्यूरी अपने बच्चों के साथ अमेरिका गई और वो रेडियम का एक ग्राम उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति के हाथों से रिसीव किया. ऑलमोस्ट अंटिल हर लास्ट डेज मैरी क्यूरी वर्कड इन हर लेबोरेटरी एंड कंटिन्यूड टू पब्लिश रिसर्च पेपर्स. लगभग अपने अंतिम दिनों तक मैरी क्यूरी अपनी प्रयोगशाला में काम करती रहीं और रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करती रहीं. जो भी उन्होंने रिसर्च की, जो उनके साइंटिफिक रिसर्चेस थी, जो खोज थी जिसको दुनिया के सामने लाना चाहती थी, उसके लिए वो कंटिन्यू पेपर पब्लिश करती रहीं. मैरी क्यूरी पास्ड अवे ऑन 4 जुलाई 1934. 4 जुलाई 1934 को मैरी क्यूरी की मृत्यु हुई. तो आपने देखा एक लेडी का स्ट्रगल, एक महिला जो कि किसी बहुत बड़े परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ था, छोटे से परिवार में, बहुत रिच नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली, जहां उनके साथ में उनकी बहनें भी हैं. ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उनको विरासत में मिली थी. बहुत पैसा हो, बहुत शोहरत हो, बहुत नाम हो, ऐसा कुछ भी नहीं था. उनका खुद का जो इंटरेस्ट था साइंस में, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करना, लगातार क्यूरियस रहना, लगातार जानने की उत्सुकता उनके अंदर बनी हुई थी, उसने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया. ऐसा भी नहीं था कि हर जगह जैसे ही उन्होंने अपने वर्क की शुरुआत की लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया. बहुत लंबा स्ट्रगल उनको करना पड़ा अपनी पढ़ाई के समय. बचपन में तो उन्होंने पढ़ाते समय दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के उन लोगों ने पैसा कमाया माँ की डेथ के बाद में. उसके बाद जब वो पढ़ने के लिए जाने वाली थी, उनकी सिस्टर भी जाने वाली थी, पहला मौका अपनी बहन को दिया. बहन पढ़ के निकली, उसके बाद वो पढ़ने गई. सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उन्होंने पाया कि वहाँ जिंदगी और हार्ड है. पेरिस जैसा महंगा शहर, वहाँ छोटे से कमरे में जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, छोटे से रूम में जितना पैसा उनके पास था उस हिसाब से अपने भोजन खाने सारी चीज़ों की व्यवस्था करके, बहुत सारी हार्डशिप्स को झेल के वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई की. लेकिन इन हार्डशिप्स से, इन कठिनाइयों से, इन परेशानियों से कहीं उनका मनोबल गिरा नहीं. वहीं उनकी मुलाकात पेरे क्यूरी से हुई जो खुद साइंटिस्ट थे. उसके बाद हेनरी बैकरल का जो इनके साथ में एक संबंध जुड़ा, जिन्होंने यूरेनियम को डिस्कवर किया था, पिच ब्लेंड से निकाला था और ये बताया था कि यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव होता है. हेनरी बेकरल का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर रुका हुआ था कि उसमें एक सब्सटेंस और है, इसी को उन्होंने अपनी थीसिस के रूप में लिया. मैरी क्यूरी काफी मेहनत करने के बाद उन्होंने उस सब्सटेंस को खोज के निकाला, जिस सब्सटेंस का नाम उन्होंने दिया रेडियम, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी की क्वालिटी होती है. अब अगला उनके पास में वर्क आया कि इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए. एक टन पिच ब्लेंड मंगाकर एक छोटे से ओल्ड अनयूज्ड शेड में उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो रेडियम को एक्सट्रैक्ट कर पाए. इस शानदार काम के लिए जॉइंटली हेनरी बेकरल और क्यूरीज को नोबेल प्राइज मिला. उनका काम चलता रहा. उनकी दो बेटी आइरीन और ईव, उस पे भी दोनों हस्बैंड वाइफ काफी केयर करते थे, माता पिता का पूरा ध्यान था. फिर अचानक एक और टेरिबल ब्लो आया मैरी क्यूरी के ऊपर, जब उनके हस्बैंड
एक रेनी डे पे, बारिश हो रही थी काफ़ी, और वो रोड क्रॉस कर रहे थे, स्ट्रीट क्रॉस कर रहे थे, स्लिप होके गिर गए और एक हॉर्स वैगन ने उनको कुचल दिया। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद मैरी क्यूरी का सारा इंटरेस्ट जैसे लाइफ में ख़त्म हो गया। काफ़ी समय तक वो बेहद दुखी रही, बेहद उदास रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैरी क्यूरी ने रिकवर किया अपने आप को, उस ग्रीफ से बाहर निकाला और उसके बाद फिर से अपना काम शुरू किया। काम करते हुए उनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स के लिए अगेन उनको नोबेल प्राइज दिया गया, जो आज तक शायद किसी को नहीं मिला है। वर्ल्ड वॉर वन के जो घायल सोल्जर्स थे उनके लिए उन्होंने अपना एक मेडिकल फ्लीट तैयार किया, एक्सरे मशीन्स को लेके एक्सरे सेंटर्स स्थापित किए और वहाँ जो वुंडेड सोल्जर्स थे उनकी देखभाल की। लोग उनको बेहद पसंद करते थे और लिटिल क्यूरीज के नाम से जानते थे। उसके बाद कुछ अमेरिकन वुमेन ने $100,000 इकट्ठा करके 1 ग्राम रेडियम लिया, उसको प्रेजेंट किया मैडम क्यूरी को, जो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने हाथों से उन्हें दिया। इस तरह से उनका अच्छा काम चलता रहा टिल हर डेथ, 4th of July 1934 को मैडम क्यूरी की डेथ हुई। तो ये आपका लेसन था, द मैजिक मेटल। लेसन कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।